क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? जानना चाहूंगा क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि आप ही के आदाद और शुमार 75वां एनएसएसओ का डेटा ये कहता है कि 25% मुस्लिम बच्चे पैसों की गुर्बत की वजह से तालीम से ड्रॉप आउट हो जाते हैं? क्या ये सच नहीं है कि 7 साल से ऊपर जो बच्चों का खवानगी का तनासुब है तमाम मजाहिब में सबसे कम मुसलमानों का है? क्या ये सच नहीं है कि ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो तमाम मजाहिब का सबसे कम मुसलमानों का है? क्या यह सच नहीं है कि सबसे कम एनरोलमेंट जो होता है वो मुसलमानों का है? क्या यह सच नहीं है कि AISHE की रिपोर्ट यह कहती है कि हायर एजुकेशन में मुसलमान का तनासुब 5% से 4% पर आ चुका है? और यह सरकार इन तमाम आदाद व शुमार को देखते हुए, इनके आदाद व शुमार को सामने रखते हुए सदर जमहूरिया के खुतबे में लफ्ज़ अकलियत का, माइनॉरिटी का जिक्र भी नहीं किया गया जो भारत की आबादी का 19% का हिस्सा है। यह इनकी मोहब्बत है अकलियतों से और मुसलमानों से। सर, क्या यह बात सच नहीं है कि आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए? यह आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अकलियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। वो उनको हमेशा गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखना चाहती है। सर, दूसरी बात इसमें यह है कि आज अकलियतों को मुसलमानों के ताल्लुक से कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर उनको जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। बरसर इख्तदार जमात के एक MP साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इख्तदार जमात के एक MP ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बरसर इख्तदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर, नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है मगर उसका नाम बिल्किस बानो है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से। यह नारी शक्ति आपकी है।